हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रामगढ़ टेक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप भी आईटीआई करना चाहते हैं, अगर आप 8वीं या 10वीं पास कर चुके हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, तो सुनहरा मौका निकल कर आया है झारखंड सरकार के तरफ से। जो है यहाँ पे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की तरफ से अब सरकारी आईटीआई का आवेदन शुरू होने जा रहा है। अगर आप भरना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए, कौन कौन लोग भर सकेंगे, किस तरह से निःशुल्क आप सरकार की तरफ से जो है आईटीआई कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट जो निकल कर आ चुका है, झारखंड सरकार निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। तो यहाँ देखिए श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट निकल कर आ चुका है। और आपको बता दें कि अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो इसमें एग्जाम होता है, एग्जाम आपको पास करना पड़ता है, उसके बाद जो है आपको आईटीआई सरकार की तरफ से कराया जाता है। तो देखिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शैक्षणिक सत्र 23-24-25 में नामांकन से संबंधित सूचना ये निकाली गई है। तो अगर जो उम्मीदवार 8वीं क्लास पास है, 10वीं क्लास पास है या फिर 12वीं क्लास पास है, तो उनके लिए खुशखबरी है, आप सभी लोग इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कैसे फॉर्म को भरना है मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा, और कौन कौन लोग भर सकते हैं, कितना उम्र होना चाहिए, पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची द्वारा एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त राज्य के सभी सरकारी एलडब्ल्यू सहित निजी पीपीपी सीएसआर एवं टीएसपी मोड पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शैक्षणिक सत्र 23-24-25 में नामांकन के लिए योग्य आवेदकों से जो झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी श्रेणी में आते हैं, नीचे दिए गए शैक्षणिक योग्यता आधारित करते हैं, ऑनलाइन jharkhandITI.gov.in में एडमिशन टैब में क्लिक करके आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लोग झारखंड के निवासी है उनके लिए सुनहरा मौका निकल कर आ चुका है। जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो है सरकारी आईटीआई का फॉर्म निकल कर आ चुका है, जिसमें देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप समझिएगा, काम में लिखा हुआ है सीट मेटल वर्कर, वायरमैन, मेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्लम्बर, वेल्डर, वेल्डर GMAW एंड GTAW, वेल्डर, फैब्रिशियन एंड फाइल फिटिंग, सेविंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेटर, न्यू नेम वुड वर्क टेक्नीशियन, सरफेस अल्टीमेटन टेक्नीशियन एवं वीबिंग टेक्नीशियन फॉर सिल्प एंड वूल फैब्रिक। व्यावसायिक में नामांकन के लिए आवेदक को 8वीं पास कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम 8वीं पास होना अनिवार्य है, तो अगर आप 8वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त कंडिका में अंकित व्यवसाय को छोड़कर विशेष में सभी व्यवसाय में नामांकन के लिए आवेदन को 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण आवश्यक है। आप देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, खा में बोल रहा है कंडिका में, खा उपरोक्त कंडिका में अंकित व्यवसाय को छोड़कर शेष अन्य सभी व्यवसाय में नामांकन के लिए आवेदन को 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो मैं जो जो ट्रेड का नाम बताया हूँ उसमें 8वीं क्लास वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आपका दूसरा ट्रेड है तो उसमें 10वीं पास होना अनिवार्य है, जैसे कि फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, ये तमाम अगर आपका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है। अब देखिए ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 15/6/2023 को आप इसको आवेदन शुरू किया जा रहा है, आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भरने का अंतिम तिथि है 15/7/2023 अपराह्न 5 बजे तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो पूरे एक महीने के लिए ये फॉर्म निकाला जा रहा है। औपबंधित मेगा सूची 8वीं एवं 10वीं कक्षा का प्रकाशन, आप देखिए यहाँ पे मेगा सूची निकाला जाएगा 8/7/2023 को 6 बजे तक निकाल दिया जाएगा। औपबंधिक राज्य में मेधा सूची एवं शामिल आवेदकों द्वारा प्राप्त प्रतांक प्रतिशत कोटि अन्य प्रविष्टि में त्रुटि सुधार अवधि अंतिम, तो ये जो है अगर त्रुटि हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आप 10/7/2023 से 12/7/2023 के बीच आप इसका फॉर्म को सुधार सकते हैं। जो भी आपका मेधा सूची जो निकलेगा उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उसको सुधार होगा। उसके बाद देखिए अंतिम मेधा सूची 8वीं एवं 10वीं कक्षा का प्रकाशन 14/7/2023 को दिखा दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये प्रकाशन जो है जारी कर दिया जाएगा।
उसके बाद अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो देखिए आपका सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में सारा कुछ जो है आपको डिटेल भरना पड़ेगा। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होते उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पास कर जाते हैं तो आपका यहाँ पे ट्रेड वाला सर्टिफिकेट भी निकल जाता है, तो उसके बाद कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। उसके अलावा झारखंड आईटीआई के डाउनलोड सेक्शन में नोटिफिकेशन टैब में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसका वीडियो मैं बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर्म। बहुत सारे लोग फॉर्म गलत भर देते हैं जिस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इनका कुछ जो है नंबर दिया गया है, इस नंबर में आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, आप इसमें कॉल कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारी जानकारी समझ में आ गई। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो 15 तारीख से फॉर्म भराएगा, 15 तारीख को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग घर बैठे इस फॉर्म को मोबाइल से कैसे भरना है और फोटो अपलोड कैसे करना, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना, सारा डिटेल मैं दे दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और बेल का आइकन जरूर से दबाए। बेल का आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप जो है फटाफट तुरंत फास्ट वीडियो चेक कर सकेंगे। तो उम्मीद है जानकारी समझ में आ गई होगी।